आप लोग, आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने फ़ोन में वॉलपेपर कैसे चेंज करेंगे। तो फ्रेंड बहुत ही सिंपल सिंपल इजी इजी स्टेप बताएंगे, आपको देखना है और फॉलो करना है। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन वाली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड आपको ऑप्शन देखने में रहता है फ़ोन में सेटिंग, सेटिंग को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन देखने में आता है फोन में डिस्प्ले, आपको डिस्प्ले पे क्लिक कर लेना। डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद में यहाँ आपको ऑप्शन देखने में आता है फोन में एडवांस, आपको एडवांस पे क्लिक करेंगे। एडवांस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ आपको ऑप्शन देखने में आता है फोन में वाल पेपर, आपको क्लिक कर लेना है। तो क्या अपने फ़ोन में वाल पेपर पर अपने फोटोज़ वगैरह लगाने चाहिए तो आप यहाँ से आल गली पर क्लिक कर कोई फोटो सेलेक्ट कर लेंगे, फोटोज़ पैसे ले लेंगे। यहाँ आपको वाल पेपर पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से अपने फ़ोन में कोई भी वाल पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से कोई वाल पेपर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो अपने होम स्क्रीन पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपको काफ़ी वाल पेपर देखने को मिल जाते हैं तो आपको यहाँ से वाल पेपर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको जो भी रखना है आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार अपने फ़ोन में अप्लाई पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट बोर्ड पे क्लिक कर देंगे। वैसे मेरे फ़ोन में वाल पेपर जो है चेंज हो चुका है तो आई फ्रेंड आपको चेक करा दें। तो इस प्रकार अपने फ़ोन में वाल पेपर चेंज करेंगे। तो आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।